नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज। तो वक्त हो गया सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। चांद के अनदेखे दक्षिणी ध्रुव हिस्से पर उतरेगा चंद्रयान 2। अंतिम 15 मिनट होंगे बेहद अहम। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम शनिवार तड़के चांद की सतह पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करने की तैयारी में है। अंतरिक्ष में भारत का पहला मिशन बैलगाड़ी से चल करके आज जहां पहुंचा है, इसका सपना हमारे वैज्ञानिकों ने कई दशकों पहले देखा था। कुल 978 करोड़ की लागत वाला चंद्रयान 2 आज चांद की जमीन पर उतरेगा तो वो सपना हकीकत में बदल जाएगा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चंद्रयान 2 के लैंडिंग के वक्त इसरो में मौजूद रहेंगे। यह इतिहास बनना आसान नहीं होगा क्योंकि चांद की सतह पर उतरने के लिए जो 15 मिनट होगा वो बेहद अहम होगा। 7 सितंबर की रात 1:40 पर विक्रम का पावर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। विक्रम चांद की सतह से बिल्कुल सीधा होगा। विक्रम अपने ऑनबोर्ड कैमरे से चांद की तस्वीर लेना शुरू करेगा। विक्रम अपनी खींची गई तस्वीर को धरती से लाए गए चांद की दूसरी तस्वीर से मिलान करेगा और यह पता करने की कोशिश करेगा कि लैंडिंग की सही जगह कौन सी होगी। पूरी कोशिश चंद्रयान के उस पर उतरने की होगी जहां की सतह 12 डिग्री से ज्यादा ऊबड़ खाबड़ न हो ताकि यान में किसी तरीके की गड़बड़ी न हो। एक बार विक्रम लैंडर की सही जगह पहचान कर लेगा उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी होगी। इसमें करीबन 15 मिनट का समय लगेगा। यही 15 मिनट मिशन की कामयाबी का इतिहास लिखेंगे। जनरल बाजवा पर बीके सिंह का पलटवार, कहा कश्मीर के नाम पर मौज कर रही है पाकिस्तानी सेना। कश्मीर पर पूरी दुनिया में अकेला पड़ने के बावजूद पाकिस्तान के अकेले ठिकाने नहीं आ रही। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जंग की गिदड़ भभकी दे दी है। जनरल बाजवा ने कहा है कि हम आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक अपना फर्ज अदा करेंगे और इसके लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आज जब हम इलाके में नजर दौड़ाते हैं तो जंग और बेचैनी के बादल नजर आते हैं और अमन और शांति की उम्मीद भी। बाजवा की इस धमकी पर जवाब देते हुए भारत के पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज कश्मीर के नाम पर मौज कर रही है। बाजवा पहले अपने देश और अपनी सेना का हालत देखें, फिर युद्ध की बात करें। बाबरी मस्जिद के पक्षकारों को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से फंडिंग होती है। यूपी सिया सेंट्रल वक्त बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने शुक्रवार को बाबरी मस्जिद के पक्षकारों पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि बाबरी मस्जिद के पक्षकारों को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से फंडिंग होती है। उन्होंने कहा है कि इसी फंडिंग से अयोध्या केस में मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धौल को पैसे दिए जाते हैं, इसीलिए वो कोर्ट में वो बोलते हैं जो उन्हें बोलने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम के अस्तित्व पर आज भी लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्हें खुद के पूर्वज भी कभी राक्षस है। उन्होंने कहा है कि जिस राक्षसों का वध भगवान श्री राम ने था उन्हीं की औलाद आज भगवान श्री राम को नकार रहे हैं। रिजवी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर पर बनी इमारत कभी भी एक जायद मस्जिद नहीं थी। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल से ईडी ने की पूछताछ, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज से जुड़ा है मामला। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल से प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पूछताछ की है। अधिकारियों ने बताया है कि उस यह पूछताछ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कानून के तहत कथित उल्लंघन मामलों में की गई है। एजेंसी ने पिछले महीने ही गोयल के परिसर में तलाशी अभियान चलाया था। उसके बाद यह पहली दफा है जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ की है। अधिकारियों ने बताया कि यहां निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज प्रबंधन कानून के प्रावधानों के तहत गोयल पर यह मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने अगस्त में गोयल के मुंबई स्थित आवास, उनके कंपनी के समूह, उनके निदेशकों और जेट एयरवेज के कार्यालयों समेत दर्जन भर ठिकानों पर तलाशी अभियान की थी। तीन तलाक यूएपीए से लेकर के 370 तक मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हुए। लोकसभा में ऐतिहासिक जीत के साथ लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। तीन तलाक कानून से लेकर के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने तक सरकार ने अपने कई पुराने वादे पूरे किए हैं। इसके अलावा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के मद्देनजर देश में यूएपीए संशोधन बिल भी बहुमत से पास कराए। इतना ही नहीं, सरकार ने इन्हीं 100 दिनों में शिक्षा, मेडिकल, रोजगार और किसान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी अहम फैसले लिए हैं। कई नीतियां पर भी काम किया। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों पर सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसके अलावा सरकार ने किसानों और व्यापारियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उनके लिए पेंशन की घोषणा की है। जेएनयू विवाद में दिल्ली सरकार नहीं मानती कन्हैया को देशद्रोही, केस चलाने की नहीं देगी अनुमति। आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से कन्हैया कुमार को बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस के उस मांग को खारिज कर सकती है जिसे जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बेगूसराय के लेफ्ट पार्टी उम्मीदवार रहे कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की अनुमति मांगी है। कन्हैया कुमार को लेकर के 18 सितंबर को कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार यह मानती है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। आपको बता दें कि 9 सितंबर साल 2016 में कन्हैया कुमार समेत कुल 10 छात्रों पर जेएनयू ने राष्ट्रद्रोही विरोध नारे लगाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हुए काफी हंगामे के बाद कन्हैया कुमार को गिरफ्तार करके उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने जानकारी 2016 में इस मुद्दे को कोर्ट के लेकर के चार्जशीट दायर की। चार्जशीट दायर करने के बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर के फटकार लगाई है और कोर्ट ने कहा है कि देशद्रोह के आरोप पर दिल्ली सरकार की मंजूरी क्यों नहीं ली गई।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को सोनिया गांधी का संदेश, बेवजह बयान देने से बचे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी पर सख्त रुख प्रकट है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को हिदायत दी है कि वह बेवजह के बयान न दे। सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर किसी को किसी भी नेता या फिर सरकार से दिक्कत है तो वो पार्टी के अंदर उचित फोरम पर उठाए, उनकी समस्या पर निदान जरूर होगा। अगर उचित फोरम नहीं सुनता है तो वो पार्टी के अध्यक्ष को भी बता सकते हैं। राज्य के लगभग डेढ़ दशक के बाद सत्ता में आई कांग्रेस नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है और वे विधानसभा चुनाव के बाद कई बार पार्टी हाईकमान के सामने नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश भी कर चुके हैं। इसके बाद ही नए अध्यक्ष पद को लेकर के पार्टी में मंथर का दौर जारी है। दुनिया के अनेक देश भारत के स्वच्छता अभियान से सीखना चाहते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को कहा है कि भारत के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर के अनेक देश हमसे सीखना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि इन देशों के साथ हम भी अनुभव साझा करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सतत विकास लक्ष्य के तहत स्वच्छता से जुड़े लक्ष्यों को भारत समय सीमा से 11 साल पहले ही हासिल करने वाला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में स्वच्छता मंत्रालय ने इस अभियान में सराहनीय योगदान दिया है। इस अभियान में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सिर्फ सरकार का अभियान नहीं रहा है, बल्कि इसमें हर भारतीयों का योगदान रहा है। चंद्रयान 2 मिशन पर ममता बनर्जी के विवादित बोल, कहा ये आर्थिक मंदी से ध्यान भटकाने की कोशिश। देश के वैज्ञानिक आज इतिहास रचने से चंद कदम दूर है। पूरा देश चंद्रयान 2 की चांद पर सफलतापूर्वक उतरने की दुआ कर रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बहुप्रतीक्षित मिशन को लेकर के विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक नाकामियों को छिपाने के लिए चंद्रयान 2 मिशन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसा कि यह पहली बार लॉन्च किया जा रहा हो। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी वे सत्ता में थे, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ। यह सब आर्थिक आपदाओं से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। जब केरल हाई कोर्ट के जजों पर भड़क गए सुप्रीम कोर्ट के जज, कहा उन्हें बताइए वो भी इस देश का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल एनाकुलम में समुद्र तट के किनारे बने करीबन 400 फ्लैट को गिराए जाने का अहम आदेश देते हुए न केवल केरल सरकार पर तख्त टिप्पणी की है, बल्कि केरल हाई कोर्ट के जजों पर भी नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने केरल हाई कोर्ट के जजों से कहा है कि उन्हें बताइए वो भी इस देश का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का हाई कोर्ट के जजों का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल जस्टिस अरुण की यह तख्त टिप्पणी इस केस में तब सामने आई जब उन्हें इसको लेकर के मई में दिए गए आदेश पर अमल न होने की जानकारी मिली। इस पर जस्टिस मिश्रा ने नाराजगी व्यक्त की है और राज्य के चीफ सेक्रेटरी को 23 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का समन भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल सरकार से सवाल, दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो सेवा क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो में महिला यात्रियों को मुफ्त सेवा प्रदान करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को लेकर के दिल्ली सरकार से सवाल किया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो सेवा क्यों। जस्टिस अरुण मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे कदम से तो मेट्रो घाटे में चली जाएगी। कोर्ट ने सलाह देते हुए कहा है कि सरकार को जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे फ्री सौगात देने से बचना चाहिए। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा है कि इससे डीएमआरसी के राजस्व पर भी भारी असर पड़ेगा, हो सकता है कि वह लाभकारी उपक्रम भी न हो। जेएनयू की पूर्व छात्रा सहेला रसीद पर देशद्रोह का केस दर्ज, सेना के खिलाफ झूठी बयानबाजी करने का आरोप। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा और कश्मीरी नेता सहेला रसीद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। सहेला रसीद पर आरोप है कि उन्होंने सेना के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अलक आलोक श्रीवास्तव ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि 3 मार्ग थाने में एक वकील ने शिकायत के आधार पर सहेला रसीद के खिलाफ बुधवार को एफआईआर दर्ज की है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि प्लास्टिक की बोतल और गिलास छोड़कर के चुल्लू से पानी पिए। भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए हाथ से चुल्लू बनाकर के पानी पीने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि दांत को साफ करने के लिए दांतों या नीम की टहनी का इस्तेमाल करने की पुरानी भारतीय आदतों की तरफ लौटना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पहले जब हम सब्जी वगैरह खरीदने जाते थे तो हमारे पास एक बेत की कटोरी होती थी, किसी तरह की प्लास्टिक नहीं होती थी। भारत ने ऐसे चीजों को अपना करके काफी ऊर्जा और संसाधन बर्बाद किए हैं जो कि हमारी नहीं है। आपको बता दें कि साल 2022 तक एक बार में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने का अभियान चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर कुछ सामान पर प्रतिबंध की घोषणा कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बोले, सिर्फ जीडीपी ही नहीं हैप्पीनेस भी जरूरी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि दुनिया के लिए जीडीपी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी ग्रेस हैप्पीनेस है। प्रणब मुखर्जी के बयान ऐसे समय में आए जब भारतीय अर्थव्यवस्था के मुश्किलें में होने की चर्चा है। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि आज दुनिया सिर्फ जीडीपी पर ही नहीं बात कर रही है बल्कि उसे कुछ और चाहिए। एक नया विचार सामने आया है कि जीडीपी जरूरी है लेकिन इसके साथ ही ग्रेस हैप्पीनेस भी जरूरी है और इसकी बुनियादी शिक्षा भी है। चांद पर पहले से ही घूम रहा है चीन का रोवर, कर चुका है गील पदार्थ की खोज। चांद की सतह पर चीन का रोवर यू तो 2 जनवरी 2019 से घूम रहा है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी यातना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले महीने ही अपने रोवर द्वारा दी गई जानकारी को सार्वजनिक किया है। चंद्रयान 2 चांद के उस हिस्से पर उतर रहा है जिस हिस्से पर अब तक चांद पर पहुंचने वाले 3 देशों के यान नहीं उतरे हैं। भारत के चंद्रयान 2 की लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली है।
आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? इसका जल्दी से जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया के सारी खबरों से रह सके अपडेट।